चार फ्लोर रहेंगे। एक पे तो हमारा कैंसर के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं ट्रीटमेंट के, तो ये तो रेडियोथेरेपी का है, ऊपर हर सेक्शन का है। एंड सबसे मुश्किल पार्ट थी इस पूरे को पेपरलेस बनाना। पेशेंट के पास केवल अपना ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन है, बाकी सारा रिकॉर्ड उसका डिजिटल है। इवन द बिगर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया आर नॉट एबल टू डू दिस। तो हम प्लान ही इस हिसाब से कर रहे हैं कि 10 साल आगे की चीज़ यहाँ पे लाएंगे। MRI की इतनी सारी चीज़ें हैं, उसी तरीके से हम पूरी जो पेशेंट केयर के लिए ला रहे हैं। एंड दिस इज़ नॉट फॉर कॉर्पोरेट, दिस इज़ फॉर द जनरल पॉपुलेशन। इससे ऊपर CT नहीं है आज की तारीख में इंडिया में, इससे ऊपर कोई MRI नहीं है कि इसके सामने जो अगर बच्चा आएगा ना तो उसको यहाँ पे कार्टून दिखाई दे जाएगा। जब आप अंदर जाएंगे तो आपके आँख पे ऐसे चश्मे लगाएंगे कि आपको केवल TV दिखाई देगा। हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो आज से 5 या 10 साल आगे की है। वी आर ऑफरिंग चश्मे के अंदर उसको टीवी दिखेगा, उसको दिखेगा, उसको कभी नहीं, वो डर वाला है, उसको पता ही नहीं चलेगा वो अंदर कब गया। तो एंड दिस इज नॉट फॉर कॉर्पोरेट, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो MRI ये लगभग 9-10-15 हज़ार की होती है वो यहाँ पे 2500 रुपये की है। अच्छा, अरे वाह, 2530 रुपये में हम ये दे रहे हैं। हम कैसे रिकवरी करते हैं मासेस के साथ से, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा मिले, ज़्यादा आएंगे तो अपने आप उसका खर्चा पूरा होगा। जो कैंसर का यूनिट है हमारा, हमें जब डिसीजन लेना था कि हम कौन सी मशीन लें, तो हमने आज की तारीख में वो मशीन ली जो इस टाइम पे US इज़ द लीडर इन ऑल दीज थिंग्स। तो जो चीज़ US में सबसे ऊपर चल रही है हमने एग्जैक्टली वो ली। तो अगर कोई बंदा ये कहता है कि मेरे को US में भी जाना होगा तो उसको इसी मशीन पे ट्रीटमेंट होगा। इससे ऊपर रोबोटिक कुछ नहीं है। मेरे का काम केवल यह है कि पेशेंट को अंदर ले जाऊं और सब चीज़ पे ये मशीन अपने आप से करती है। एवरी मशीन, एनी अदर मशीन इन द वर्ल्ड इज कम्पेयर्ड विद दिस मशीन टू सी वो कितनी अच्छी कितनी ख़राब है। तो ये उतनी हाई मशीन है। दिस इज़ द बंकर और ये एक्चुअल रेडिएशन सोर्स होता है जिससे हम जब करते हैं तो रेडिएशन आता है। इस मशीन की खास बात यह है कि इसके साथ साथ इसमें अंदर एक दो पैनल हैं जिसके अंदर CT स्कैन होता है, तो मैं किसी भी पेशेंट को हाथ के हाथ देख सकता हूँ। तो रेडियोथेरेपी में समस्या क्या होती है साइड इफ़ेक्ट्स की, कि जो नॉर्मल टिश्यू होता है उसके ऊपर भी रेडिएशन जाता है बिकॉज द मशीन इज़ नॉट एबल टू सी। हम तो CT स्कैन का इलाज कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पेशेंट को हम एक्चुअल देखते हैं और केवल उसी बीम को देते हैं। तो अगर किसी के चेस्ट में ट्यूमर है तो मैं कुछ भी करूँगा लेकिन उसके दिल पर बीम नहीं जाने दूंगा। अगर ओरल कैंसर है तो उसके स्पाइनल कॉर्ड पे, उसके पैरोटिड्स पे बीम नहीं जाने वाली। इस मशीन में इतनी पावर है, कितनी एक्यूरेसी से दे सकते हैं कि मैं उसको कम करते 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 MM में ले आऊँगा जितना बड़ा मेरा चाकू चलता है। तो मैं दिमाग के कैंसर का बिना ऑपरेशन के इलाज कर दूंगा, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। दिस इज़ टॉप एंड इन द वर्ल्ड। ये पूरी सारी मशीन्स अगर मैं बता दूँ तो आई वुड से किसी भी एक हॉस्पिटल में ये सारी हाई लेवल रेडियोथेरेपी, MRI, CT स्कैन और मैं आपको ऊपर नहीं ले जा रहा अभी समय की वजह से, डिजिटल PET CT। डिजिटल PET CT का तो इंडिया में भी कंसेप्ट ही नहीं आया है। एक सर PET CT ना एनालॉग होती है, हाँ तो एनालॉग होता है। तो हम इस हिसाब से लाएँ कि अगले 5-10 साल में जो होगा वो हम जनरल मासेस को प्रोवाइड करें। जो कंसेप्ट है भाई, मेरे को अगर मरीज से बहुत सारा पैसा लेना होता तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर उन लोग के ले रहा हूँ जो कुछ नहीं कर सकते। दे डिज़र्व द बेस्ट ट्रीटमेंट। पेट स्कैन और नॉर्मल पेट स्कैन में क्या फंडामेंटल सर? एक तो उसका एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होती है। मैं बहुत कम डाई में कर सकता हूँ। मैं किसी का एक, अब इलाज क्या होना है, किसी के एक मेटास्टेसिस है, एक कैंसर का यहाँ पे, दो छोटे छोटे यहाँ पे थे जो कि डिटेक्ट नहीं हुए, डिजिटल वाला डिटेक्ट करेगा और उसकी इसकी लिंक हो जाएगी। इस मशीन को पता है कि इस पेशेंट में यहाँ के साथ यहाँ पे भी है, नॉर्मल में मिस हो जाएगा। एल्जाइमर्स के पेशेंट और पार्किंसोनिज्म के पेशेंट जो ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, उनमें डिजिटल पेट जो है वो उसमें नॉर्मल पेट जो होता है दिक्कत करता है, हिलता रहता है। मेरे में क्योंकि डिजिटल है तो उसको मैं रिकंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। तो जो पेशेंट यहाँ पे, बल्कि लड़ाई क्या हुई इस मशीन में, कुछ लोग अदर सेंटर से यहाँ पे रेडियोथेरेपी कराने आए, वहाँ पे उनका एक सेशन का टाइम लगता था करीब करीब 20 मिनट, यहाँ पे ये इतनी फास्ट मशीन है 2 मिनट में बाहर निकल गए। अब लड़ाई कर रहे हो, वो सही में लड़ाई कर रहे हो। फिर इन्होंने और डॉक्टर ब्रिजेश ने मिलकर उनको समझाया कि कैसे कैसे होना है।